नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 3 महीने में 9 लाख अगुआ आवास की स्वीकृति दी जाएगी। इस बार जो सूची बन गई है वो अंतिम है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जिन लोगों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिल सका है उन्हें अगली बार लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में कोयलांचल प्रक्षेत्र के तीनों जिला धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के अगुआ आवास योजनाओं के लाभुकों को संबोधित कर रहे थे। संबंधित जिलों के लिए 35,000 अगुआ आवास की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रतीकात्मक तौर पर 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। साथ ही उनके खाते में अगुआ आवास के लिए पहली किस्त के तौर पर 30,000 रुपये भी हस्तांतरित किया। इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी इस अवसर पर मौजूद थे। केंद्र ने बंद कर दिया पैसा तो राज्य ने शुरू किया अगुआ आवास योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयलांचल की क्या स्थिति है, यहाँ का कोयला कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यह समझने की ज़रूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों की बदहाल दशा देख अगुआ आवास योजना की नींव रखी। राज्य में पीएम आवास की सूची में 8 लाख लोग शामिल थे, लेकिन केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा देना बंद कर दिया। इसी से क्षुब्ध होकर हेमंत सोरेन ने गरीबों को अगुआ आवास देने की ठानी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमने आवास के लिए आवेदन मांगे, पूरे राज्य में 29 लाख आवेदन आए और हमने 30 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया। जिसके नाम पर खाता न बही उसे भेज दिया जेल। मुख्यमंत्री ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से राज्य में की जा रही जांच पर नाराजगी जताई। कहा कि हम भी केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसके नाम पर खाता न बही उसे षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया। राज्य की पिछली डबल इंजन की सरकार में एक का इंजन खराब हो चुका है और दूसरा इंजन भी लड़खड़ा रहा है। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा शिक्षा हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने गठबंधन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, कहा कि हमारी प्राथमिकता है। छात्र छात्राओं से कहा कि आप पढ़ाई न छोड़ें, चाहे जितना पैसा लगेगा सरकार देगी, हमें रोटी कपड़ा और मकान देने से कोई नहीं रोक सकता। हेमंत सरकार पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही थी, लेकिन अब 30 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त दी जाएगी। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कोरोना काल में हेमंत सरकार ने पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त किया। गरीबों को अपना घर और पेंशन से 2 वक्त की रोटी। चंपई ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में पंचायत और अंचल कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 50 वर्ष अधिक उम्र के योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों को इसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके साथ ही सर्वजन पेंशन के तहत गांव के सभी को पेंशन मिलेगा। हेमंत सोरेन ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में गरीबों को अपना घर और पेंशन से 2 वक्त की रोटी मिल सके। आज मंगलवार से ही 50 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को पेंशन देने की शुरुआत कर दी जाएगी।